बाल गोविंद जी शुरू से ही जुड़ रहे थे, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत है। असिस्टेंट कमिश्नर को भी जुड़ना था, वो भी तो काफी लोग हमारे बीच जुड़ गए हैं। सखी केंद्र जो बेसिकली महिलाओं की संस्था है, जिसका उद्देश्य है समाज में हर तरह के भेदभाव मुक्त और हिंसा मुक्त जीवन बनाने के लिए लगभग 38 साल हो गए हैं संस्था को काम करते हुए। समानता पर आधारित समाज बनाना जहाँ किसी भी तरह का भेदभाव हिंसा न हो और समानता पर आधारित समाज बने, जिसके लिए हम लोग 4 स्तर पर रणनीतियां हैं। व्यक्तिगत स्तर पर जो भी पीड़ित की समस्या होती है उसकी पीड़ित महिला की, तो हमारी काउंसलिंग टीम उनसे पूरी समस्या को सुनकर उनकी उनके लिए न्याय के लिए जो भी अपने जीवन में डिसीजन चाहती है उसके लिए हमारी एचआर टीम है, वो हर प्रोसेस करती है कि उन्हें न्याय मिले और वो आत्मनिर्भर होकर अपना जीवन जी सके। समुदाय स्तर पर हम लोग बस्तियों में महिलाओं के समूह बनाते हैं, जिसमें हम लोग महिलाओं को समाज में आगे बढ़ के काम कर सकते हैं और उनके अंदर डेवलपमेंट हो और अपने क्षेत्र के विकास के लिए गवर्नमेंट से जुड़ी जो स्कीम्स है उनको भी वो ले लाभ ले सकते हैं और अन्य लोगों को भी उसका लाभ दिला सकते हैं। इसीलिए हम लोग उनके बीच कार्यक्रम चलाते रहते हैं, ट्रेनिंग जागरूकता कार्यक्रम सेमिनार जनसभा गोष्ठी बहुत सारे कार्यक्रम जो सरकारी स्तर पर जो होता है, तो जो भी स्कीम्स आती है वो मेरे तक पहुंचे उसके लिए हम लोग एडवोकेसी लॉबिंग जो भी विकास जो भी विभाग है उसे हम लोग जाके करते रहते हैं। और जो हमारा पांच लेवल पे है उसमें भी हम लोग आंदोलन जनसभाएं अलग अलग कार्यक्रम करते रहते हैं। तो आज जो हमारा वेबिनार का उद्देश्य था वो ये है कि जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स है, इसीलिए आज स्कीम से जुड़े हुए हमारे अधिकारी जुड़े वेबिनार से, तो स्कीम्स को सीधे तौर पर महिलाएं कैसे उसका लाभ ले सकती हैं, कैसे वो दूसरों पर डिपेंड ना होकर खुद वो योजनाओं का लाभ ले, उसके लिए उन्हें बहुत किसी पे वो ना करना पड़ेगी कोई हमारी मदद करे तो हमें योजना मिले। इसके लिए आज एक योजना रखी है कि जिससे वो सारी चीजों को योजनाओं को समझे और खुद उसके लिए आगे बढ़े और योजनाओं का लाभ ले। प्रभा तुम्हारी आवाज कट बहुत रही है, क्या दिक्कत है वहां कुछ क्या मोबाइल हिल रहा है क्या, पकड़े हुए हो क्या? नहीं पकड़े नहीं रखा है। अच्छा पता नहीं बहुत आवाज वैसी हो रही है, चलो कंटिन्यू करो। तो सीधे तौर पे महिलाएं योजनाओं से जुड़ सके, योजनाओं का लाभ ले सके, किसी दूसरे पर डिपेंड ना हो, इसके लिए आज हम लोगों ने ये योजना रखी है जिसमें हमारी लीडर्स महिलाएं और हमारी जो टीम है जो हमेशा लोगों की मदद के लिए आगे रहती है, तो इसके लिए हम लोगों ने रखा है। और हम बहुत ज्यादा समय न लेते हुए सखी केंद्र की महामंत्री नीलम दीदी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमारे जो भी गेस्ट स्पीकर है उनका वेलकम करेंगे और आज का विषय प्रवेश करेंगे। थैंक यू प्रभा, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा सब्जेक्ट चुनने के लिए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी है और खास तौर पर अभी जो COVID-19 के बाद की जो स्थितियां हैं जो चल रही हैं, अभी तो खत्म कहाँ है, तो बहुत इसलिए ये सब्जेक्ट बहुत जरूरी है। हमारे बीच काफी सारे लोग मौजूद हैं, हमारे बीच एडिशनल लेबर कमिश्नर और रहमान जी हैं, हमारे बीच ज्ञानीन जी हैं, हमारे बीच काफी सारे लोग हैं। हम उन सब लोगों का बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं और अभी
बहुत सारी योजनाएं सरकार की आई हैं। अप्रैल में भी और 2020 की अगर हम देखें तो इधर जो कई सारी हैं, अप्रैल में, मई में, अगस्त में, अभी कई सारी चीजें, जैसे जो नई शिक्षा नीति है उसमें एक बहुत अच्छी बात ये हुई कि पूरी जीडीपी का पहले 3% था एजुकेशन पे खर्च होगा, अभी वो 6% हो गया है। तो ये एक अच्छी बात है। अभी शायद हम लोगों को जो बहुत गरीब बच्चे हैं उनको बहुत दिक्कत हो जाती है, तो उस पे भी हमें बहुत ठीक रहेगा। बाकी बहुत सारी योजनाएं हैं। एक सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, जैसे प्रभा जी हैं, आप सबकी तारीफ करती हैं कि आप लोग बहुत सखी केंद्र का हमेशा सहयोग करते हैं और गरीब लोगों के प्रति हमेशा समर्पित भाव से काम कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों को और ठोस सुझाव रखने होंगे कि कैसे हम लोग जो अंतिम व्यक्ति है, यानी जो मार्जिनलाइज है, सीमांत गरीब है, उस तक जो भी स्कीम्स हैं, वो जरूरतमंद जो सबसे ज्यादा हैं, उनको कैसे लाभ पहुंच सकता है। हमारा ऑर्गेनाइजेशन, हमारे यहाँ लोग हमेशा निःशुल्क पूरे समर्पित भाव से काम करते हैं। कभी भी किसी से भी कभी आज तक हमारा संगठन लगभग 38 साल पुराना है। 38,900 महिला हिंसा के केसेस हम लोगों ने डील किए हैं, जिसमें से 23,000 समथिंग सॉल्व किए हैं, जस्टिस प्रोसेस में ले गए हैं, जस्टिस दिलाया है। बहुत सारी चीजें हैं। गुड गवर्नेंस पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है। हम लोगों की कोशिश होती है कि हर जगह जो बुनियादी जरूरतें हैं, महिलाओं को हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं कि बुनियादी जरूरतें उनको कम से कम मिल सके और स्कीम्स के लाभ मिल सके। उनको हम लोग थोड़ा ऑनलाइन फॉर्म भरना भी सिखा रहे हैं। अभी हम लोगों ने सरसौल ब्लॉक में 3,500 15 से 45 साल तक की महिलाओं को डिजिटल लिटरेसी पूरी तरह से लिटरेट किया है, करने की कोशिश की गई है। तो अभी हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि बस्तियों में भी लोगों को स्कीम्स ऑनलाइन भरनी आए, उनके पास अगर मोबाइल है तो वो उसको समझ सके। इसीलिए हम लोग ज्यादा से ज्यादा वेबिनार कर रहे हैं। हमारी वेबिनार में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक मोबाइल में तीन तीन चार चार लोग सुन रहे हैं, और आप आज जो कुछ बोलेंगे वो हम लोग मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएंगे, बूस्ट भी करेंगे, ताकि आपके जो विचार हैं, आपके जो ठोस सुझाव हैं, वो लोगों तक पहुंच सके। तो आज हमारी आप लोगों से बस यही गुजारिश है कि अच्छे से कैसे स्कीम लोगों तक पहुंच सके, सखी केंद्र और जो विभाग है वो दोनों मिलके लोगों को मदद कर सकें, कहाँ कैंप लग सकते हैं, किस तरह से हो सकता है, इस पर अपने सुझाव देंगे तो अच्छा रहेगा। राजेंद्र जी का भी बहुत बहुत स्वागत है, सभी लोगों का स्वागत है, नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है आप सब आए हैं आज वेबिनार में, और ये बहुत अच्छी बात है कि बस्तियों में भी अब लड़कियां सीख गई हैं कि कैसे वेबिनार करनी है। अब हॉल का की जरूरत नहीं है, लोग अपने घर में बैठ के, अपने कार्यालय में बैठ के आराम से अपने व्यूज दे सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं, और बहुत सारी चीजें। अब सिर्फ ऑफिस जाके जो काम कराने हैं वही कराने हैं, बाकी बहुत सारी चीजें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो बस्तियों में यंग लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, वो भी वेबिनार में बहुत अच्छी तरह से हिस्सा लेना सीखने लग जाएं और मीटिंगें ऑर्गेनाइज करना ऑनलाइन शुरू कर दें। तो पुनः हम आप सबका वेलकम करते हैं, और सखी केंद्र हमेशा आपके साथ है। तो हम प्रभा से कहेंगे कि प्रभा मीटिंग को आगे थैंक ऑर्गेनाइज करें। यू दीदी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अब हमारे बीच श्रम प्रवर्तन अधिकारी बालगोविंद जी हैं,
हम उनसे चाहेंगे कि वो श्रम विभाग से जो भी जुड़ी हुई भारत सरकार की योजनाएं हैं उनके बारे में हमारे पीछे रिक्वेस्ट है उनसे कि वो बताएंगे, जो हमेशा जब भी हम लोग प्रोग्राम में भी कई बार हमारे आए हैं सेमिनार्स में, और तो हम उनसे चाहेंगे कि वो जो भी श्रम विभाग से जुड़ी हुई सरकार की योजनाएं हैं उनके बारे में। मेरी आवाज जा रही है, बाल गोविंद जी सुन रहे हैं? बाल गोविंद सर जी मेरी आवाज सुन रहे हैं? प्रभा हमारे बीच एडिशनल लेबर कमिश्नर है, आप उनसे पहले रिक्वेस्ट कर सकती हैं। तो हमारे बीच एडिशनल लेबर कमिश्नर जी हैं, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं सखी टीम की तरफ से, उनकी अपनी पूरी टीम की तरफ से। तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो जो भी योजनाएं हैं भारत सरकार की तो वो बताएंगे, जिससे हमारे आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है क्या? हमारे बीच एडिशनल लेबर कमिश्नर जी मौजूद हैं, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? प्लीज आप हमारी इस वेबिनार को संबोधित करें। हेलो, हाँ आवाज जा रही मैडम? आवाज मेरी जा रही है? अब आ रही है, बिल्कुल आ रही है। वीडियो आपका नहीं ऑफ है शायद, आवाज आ रही है। चलिए कोई बात नहीं, आवाज जा रही है, आवाज से काम हो जाएगा। मेरा केवल इतना कहना है, जैसा कि मैंने पिछले साल कहा था आपके कार्यक्रम में कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एक मॉड्यूल तैयार किया जा रहा है, उसी मॉड्यूल पे हमारे असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का पंजीयन होना है, लेकिन इस COVID-19 के नाते वो थोड़ा डीले हो गया, वो मॉड्यूल डीले हो गया, अभी तक नहीं बना है। अब उस पे तेजी से काम हो रहा है, जब वो मॉड्यूल बन जाएगा तो हम पंजीयन शुरू कर देंगे। हम कह रहे हैं आप लोग अपना डेटाबेस तैयार रखिए, जैसे ही मॉड्यूल बन जाएगा हम इनका पंजीयन शुरू कर देंगे, नंबर एक। नंबर दो बात ये है कि बिना रजिस्ट्रेशन हुए ही दो योजनाएं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की चल रही हैं। एक है प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना और दूसरी है आयुष्मान भारत। यह दोनों योजनाओं का लाभ असंगठित क्षेत्र के सभी श्रमिकों को मिल रहा है बिना रजिस्ट्रेशन के। जब इनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो यह योजनाएं ऑटोमेटिकली उस मॉड्यूल से कनेक्ट हो जाएंगी। तो अभी तो जो प्रधानमंत्री की श्रमयोगी मानधन योजना है उससे जितना अधिक से अधिक लोग हो सकते हो, पेंशन की योजना है 60 साल के बाद तो उसमें पेंशन मिलनी है, उससे अधिक से अधिक संख्या में आप लोग इनको जोड़ने का प्रयास करिए। इसका पंजीयन जितने हमारे जन सुविधा केंद्र हैं उनके माध्यम से हो रहा है। मुझे बस इतनी ही बात कहनी है, थैंक यू। नमस्कार, लेकिन हम लोगों ने लगभग ILO के साथ और आप लोगों के साथ मिलके, आपको याद होगा तो 9,500 लोगों का फॉर्म जमा है आपके पास ऑलरेडी। आपने कहा था कि वो जो जमा है वो कंप्यूटर में आ जाएंगे, तो उनको एक बार आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि 9,500 है वो। ठीक है, ओके ओके ओके, थैंक यू। ठीक है प्रभा जी, आगे आप चलाइए। बहुत बहुत धन्यवाद कमिश्नर जी का। अब हमारे बीच से अब हमारे बीच राजेंद्र अवस्थी जी हैं, केशव मधुसूदन सेवा समिति से, मधुबन सेवा समिति से। हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो जो भी गवर्नमेंट से जुड़ी हुई जो भी बैंक में भी बहुत सारी योजनाएं
भारत सरकार द्वारा चल रही बैंक से, तो राजे जी से हमारी रिक्वेस्ट है कि वो से जुड़ी योजनाओं के बारे में बताएंगे। धन्यवाद प्रभा जी, आवाज आ रही है? जी हाँ सर आ रही है। प्रभा जी धन्यवाद, आपने हमें इस वेबिनार में आमंत्रित किया और विशेष रूप से हम माननीय नीरज चतुर्वेदी जी का आभार व्यक्त करेंगे कि उन्होंने वेबिनार में हमें आमंत्रित किया। अगर गरीबों की तमाम सारी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं और वो हर क्षेत्र में चलाई जा रही, चाहे एजुकेशन का क्षेत्र हो, चाहे आवास का क्षेत्र हो, चाहे अन्न वितरण का क्षेत्र हो, तमाम सारी योजना सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। हम कुछ सूक्ष्म में आपको कुछ योजनाओं के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, ये सरकार द्वारा चालू करी गई है। इसमें सरकार का उद्देश्य है कि सभी गरीबों को आवास उपलब्ध कराना है। इस योजना के अंतर्गत जो सरकार ने प्रयास किया है कि 2022 तक लगभग 2,00,000 से ज्यादा मकान उपलब्ध कराने हैं गरीबों को, जिससे उनकी आवास की समस्या हल हो सके। इसके लिए उन्होंने क्या किया है कि जो सब्सिडी, जो इंटरेस्ट का अमाउंट है, इंटरेस्ट अमाउंट बहुत कम कर दिया है, केवल 4% ब्याज पर ही ऋण मिलेगा और जो आपको मकान उपलब्ध कराए जाएंगे उस पर केवल आपको 4% ही ब्याज देना पड़ेगा, जबकि वास्तविकता में इस समय 8% या और जो चल रहा है उसमें काफी अच्छी सब्सिडी दी जा रही है। इसके अलावा इसमें जो एक गरीबी की रेखा रखी गई थी, पहले गरीबी की रेखा रखी गई थी 1,00,000 रुपए, उसको बढ़ा करके उन्होंने 3,00,000 कर दिया है, जिससे इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हो सके। कमजोर वर्ग के जो लोग हैं उनको 25 वर्ग मीटर का मकान दिया जाएगा और जो निम्न आय वर्ग के लोग हैं उनको इसमें 40 वर्ग मीटर का मकान उपलब्ध कराने की योजना है, इसकी आवास वाली योजना। इसके तहत उन्होंने ये भी किया है कि आवास के लिए जमीन कहाँ से उपलब्ध होगी, शहरों के पास इतनी जमीन नहीं है कि हम गरीबों के लिए मकान दे सकें, तो उन्होंने जो खेती वाली जमीन है उसका यूज चेंज कर दिया है कि अब खेती वाली जमीन को भी आवास में हम प्रयोग में ला सकते हैं, इसलिए जिससे कि हम उस जमीन को भी आवास में उपयोग करके और गरीबों को हम आवास दे सकें, इसलिए उन्होंने लैंड यूज भी चेंज करने का उन्होंने प्लान बनाया है। साथ ही साथ नेशनल अर्बन हाउसिंग मिशन के अंतर्गत एक स्कीम जो लाए हैं उसमें जो झुग्गी जो झुग्गी पड़ी हुई है, झोपड़ियां पड़ी हुई हैं, उन लोगों को भी 1,00,000 रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराने की बात करी गई है कि उनको 1,00,000 रुपए तक की सहायता दी जाए और उनका जो झुग्गी है उसको थोड़ा सा अच्छे से ढंग से उनकी एक आवास की समस्या उनको उसमें हल करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके तहत उसमें जो और अल्प आय के लोग हैं उनको करीब 1,50,000 रुपए तक का आवास की सुविधा दी जा रही है कि 1,50,000 रुपए इनको उपलब्ध कराए जाएं, जिससे जो अल्प या सस्ते आवास बनाने वाले जो लोग हैं उसमें वो लोग भी शामिल है जिनके पास अपनी जगह है और मकान बनवाने के लिए पैसा नहीं, अगर अल्प आय वर्ग के लोग इस तरह के हैं तो उनको 1,50,000 रुपए तक की सहायता सरकार के द्वारा दी जा रही है, जिससे उनकी आवासीय समस्या को हल किया जा सके। जो सस्ते आवास बनाए जाएंगे उसमें भी एक प्रोविजन रखा गया है कि 35% आवास जो है वो कमजोर आय वर्ग के लोगों के लिए उसमें रिजर्व किए गए हैं, जिससे उनको भी इसके आवास की सुविधा मिल सके। इसके अलावा सरकार ने एक स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करने के लिए और स्वास्थ्य बीमा योजना की एक घोषणा करी है। सरकार की गरीबों को 5,00,000 रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा और 1,350 बीमारियों को सूचीबद्ध किया सरकार ने, जिनका गरीबों का फ्री इलाज किया जाएगा। उसमें 1,350 बीमारियां हैं और 5,00,000 रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कराने के गवर्नमेंट की प्लान है कि अगर मान लीजिए किसी को कोई गंभीर बीमारी हो जाती है तो वो किसी अच्छे अस्पताल में जाकर के 5,00,000 रुपए तक का इलाज करा सकता है और 1,350 बीमारियों का उसको निःशुल्क इलाज किया जाएगा उसमें। इसके अलावा एक सोशल सिक्योरिटीज के लिए अटल पेंशन योजना गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई है। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत उसमें 60 वर्ष की आयु के बाद आपको मैक्सिमम 5,000 रुपए तक का एक पेंशन स्कीम मिलने लगेगी। इसमें एज ग्रुप एज के हिसाब से
प्रीमियम रखा गया है कि आपको अब जिस एज का है उसके हिसाब से प्रीमियम ज्यादा, जिसकी एज ज्यादा उसका प्रीमियम ज्यादा रहेगा, जिसकी एज कम है उसके प्रीमियम कम रहेगा। मगर सोशल सिक्योरिटीज के लिए कि जो गरीब लोग हैं 60 साल के बाद जब कुछ करने काबिल नहीं रहेंगे तो अटल पेंशन योजना के अंतर्गत उनको 5000 रुपए तक की पेंशन मिलने का प्रावधान किया गया है अटल पेंशन योजना के अंतर्गत। एक मातृत्व बंधन योजना गवर्नमेंट द्वारा लाई गई है। मातृत्व बंधन योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को 6000 रुपए तक की आर्थिक सहायता का प्रयोजन किया गया है। ये सब गरीबों के लिए योजना जो सरकार मिलती है, जो हमको बैंक के द्वारा मालूम पड़ी है वो हम आपको बता रहे हैं। एक जब ये मैडम जिस एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में भी मैडम थोड़ा जिक्र कर रही थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि पहले जीडीपी का 3% इसमें खर्चा किया जाता था, अब 5% तक का प्रोविजन किया जा रहा है। इसमें जो सबसे खास बात एक और भी है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत, इसमें 12 वर्ष तक तो उसको बच्चे को एजुकेशन दी जाएगी, मगर जो 3 साल तक के लिए उसको एक स्पेशल एजुकेशन दी जाएगी जिसमें वो आत्मनिर्भर बन सके। और उसमें जो वैश्विक रूप से मतलब इंटरनेशनल रूप से वो किसी काम को करने के लिए या अपना स्वरोजगार योजना स्वरोजगार काम करने के लिए प्रेरित हो सके, उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी आ जाए कि अपना कोई रोजगार प्रारंभ कर सके, इसके लिए भी उसमें प्रोविजन रखा गया है। तो 12 साल तक की आपको एजुकेशन करनी है और 3 साल के लिए आपको उसमें प्री स्कूल शिक्षा अलग से दी जाएगी, जिसमें आप जो सरकार चालू करी है के लिए, इसमें 35 अनाज देने की बात करी गई कि हम हर महीने 35 किलो अनाज देंगे। उसमें यह है कि जो गेहूं दिया जाएगा वो 2 रुपए किलो पे दिया जाएगा और जो चावल दिए जाएंगे वो 3 रुपए प्रति किलो के साथ दिए जाएंगे। इस योजना में जो दिव्यांग लोग हैं उनको भी शामिल किया गया है, उनको भी इतना ही अन्न मिलेगा। ये अंत्योदय अन्न योजना जो गवर्नमेंट द्वारा चालू करी गई है। इसके अलावा एक जो और अच्छी गरीबों के लिए योजना जो सरकार ने चालू करी है वो है स्वनिधि योजना। स्वनिधि योजना के अंतर्गत क्या है, जो रेहड़ी और पटरी वाले लोग हैं इनको भी गवर्नमेंट 10,000 रुपए तक का लोन देने जा रही है कि हम रेहड़ी पटरी वाले लोग अगर ये अपना व्यवसाय अच्छे ढंग से करना चाहते हैं, इनके पास आर्थिक रूप से कमजोर है, तो इनको 10,000 रुपए तक का सरकार बैंक लोन देगी इनको। और इसमें उसमें जो इसका जो अमाउंट दिया जाएगा लोन का वो 1 साल के अंदर इनको वापस चुकता करना है। ये तमाम सारी योजना है। इसके अलावा जो सरकार की एक मुद्रा योजना चलेगी, मुद्रा योजना के अंतर्गत क्या था कि उसमें 3 श्रेणियां उसमें रखी गई हैं। उसमें शिशु किशोर तरुण 3 कैटेगरी रखी गई है। अगर हम 5 लाख तक का लोन लेते हैं तो उसमें शिशु के अंतर्गत क्या आएगा, अगर हम उसके बाद 20 लाख तक का लोन लेते हैं तो उसमें किशोर आएगा, और 50 लाख तक लोन जाता है तो तरुण श्रेणी में लोन आता है। उसमें अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या बिजनेस प्रारंभ करना चाहते हैं उन लोगों को ये ऋण सुविधा दी जाएगी। इसके लिए जरूरी है कि अगर कोई बिजनेस प्रारंभ करना चाह रहा है तो उसको बिजनेस प्रारंभ करने का कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके बारे में कुछ ज्ञान होना चाहिए, कुछ प्रोजेक्ट होना चाहिए जिसको कि बैंक अध्ययन करेगी। अगर बैंक को लगेगा कि नहीं आप जो बिजनेस करने जा रहे हैं उसके बारे में आपको अच्छा ज्ञान है, अच्छा आपके पास आप उस बिजनेस करने की मार्केट के बारे में, बिजनेस के लिए आपको कहाँ से रॉ मटेरियल मिलेगा, कहाँ से मशीनरी मिलेगी, किस मार्केट में ये जब माल बन जाए कहाँ बिकेगा, अगर आपका प्रोजेक्ट पूरा प्रॉपर बैंक को लगेगा तो उसमें आपको मुद्रा लोन के अंतर्गत भी और ये लोन देने की व्यवस्था करी गई है। इसके लिए आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक लोन महिलाओं के लिए विशेष करके आया है, जिसमें महिलाएं को उसमें उस धन लक्ष्मी योजना जिसको कहते हैं धन लक्ष्मी योजना के अंतर्गत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 5 लाख तक के लोन देने की व्यवस्था करी गई है। और इसमें 5 लाख तक के लोन में जो ब्याज का अमाउंट होगा वो गवर्नमेंट खुद भरेगी। इसमें महिलाओं को कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना है, जो ये धन लक्ष्मी योजना चालू करी गई है। इसके अलावा ये फ्री सिलाई मशीन योजना भी चालू करी गई गवर्नमेंट ने, उसके अंतर्गत 20 से 40 आयु वर्ष की जो महिलाएं हैं उनको सिलाई मशीन गवर्नमेंट द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी, ये फ्री उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे ये अपना सिलाई कढ़ाई का अगर काम करना चाहें तो आसानी से कर सकती हैं। एक बालिका अनुदान योजना भी चल रही है गवर्नमेंट द्वारा। बालिका अनुदान योजना के अंतर्गत जो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले जो परिवार हैं महिलाएं हैं उनके अगर 2 लड़कियां हैं तो 2 लड़कियों को शादी के लिए 50,000 रुपए गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाते हैं, जिससे वो अपनी बेटियों की शादी कर सकें।
इस तरह से तमाम योजनाएं और भी हैं, अगर आपके पास टाइम है तो हम कुछ योजनाओं के बारे में और बता सकते हैं। पर इन योजनाओं का जो सबसे बड़ी बात क्या है कि जानकारी होना और योजनाओं का लाभ किस तरह मिले, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि जो इस तरह की जो जिनको नीडी पर्सन है, जिनको वास्तव में इस तरह के लोन की या इस तरह की सहायता की जरूरत है, उनको मालूम नहीं है कि हमको कहाँ जाना है, किस तरह से लोन लेना है, क्या फॉर्म भरने हैं, क्या फॉर्मेलिटी कम्प्लीट करनी है। तो इसमें सखी केंद्र है, या अगर सखी केंद्र चाहेगा तो हम लोग भी जो भी हम जानकारी हमें है हम उनको सहायता दे सकते हैं, तो वो इसका इस तरह से लाभ ले सकते हैं इसमें। बाकी अगर और भी SME के अंदर तमाम लोन चल रहे हैं, SME योजना के अंदर तमाम लोन महिलाओं को दिए जा सकते हैं, जिसका उनको लाभ मिल सकता है, और तमाम सारी योजनाएं हैं। तो कुल मिलाकर के अगर बैंक से संबंधित जो योजना है या जो उद्योग निदेशालय के थ्रू जो ऋण वितरित किए जाते हैं, कौन से फार्म उद्योग निदेशालय में जमा किए जाएंगे, कौन से फार्म बैंक में जमा किए जाएंगे, उस बैंक में जमा करने में क्या उनकी फॉर्मेलिटी कम्प्लीट करनी है, ये सब हम लोग और सबकी के मिल के चाहेंगे तो कुछ महिलाओं को इसमें लाभ हो सकता है। धन्यवाद। अगर कुछ इसमें और भी जानकारी चाहेंगे तो हम देने के प्रयास करेंगे। थैंक यू मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। सारी योजनाओं के बारे में आपने बताया और योजनाओं के बारे में कैसे लोगों को लाभ मिले, मेरी आप पूरी उसमें मदद करेंगे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद है, वेलकम है। और आप अब हमारे बीच विनय शर्मा जी हैं, स्मार्ट सिटी फाउंडेशन से। विनय शर्मा जी, मेरी आवाज जा रही है? विनय शर्मा जी स्मार्ट स्किल फाउंडेशन से। जी मैडम, आवाज आ रही है आपकी। जी, तो आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि लोक सरकार द्वारा स्किल इंडिया के तहत बहुत सारी स्कीम्स और योजनाएं युवाओं के लिए चल रही है, जिससे हमारे युवा है, यूथ है, वो ट्रेनिंग को लेकर अपना स्वयं जो भी इंटरेस्ट है उसको ट्रेनिंग लें भारत सरकार की योजनाओं में, और कैसे वो आगे बढ़े, इस संबंध में हम चाहेंगे आपको बताएंगे, जिससे कि हमारे जो यूथ है वो लाभ ले सके। सबसे पहले मैडम, हेलो, सबसे पहले मैं आपको और पूरी सही सहेली टीम को धन्यवाद देना चाहूंगा मुझे ऐसी योजना या ऐसी संस्था के साथ जुड़ने के लिए। दूसरा, हमारे पास अभी एक ही स्कीम है जिसमें हम महिलाओं के लिए, जो कम उम्र की महिलाएं हैं, जो 18 साल से लेकर के 35 साल तक की महिलाएं हैं, उनके लिए हमारे पास एक निःशुल्क प्रशिक्षण केंद्र है जिसमें उन्हें कंप्यूटर का और उनको मार्केटिंग का काम पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जाएगा, जिसमें इनको रहने का, खाने का, ये सारी व्यवस्थाएं गवर्नमेंट अपनी तरफ से देगी। प्रोग्राम का नाम है DDU GKY, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना। ये पूरे भारत देश में चल रही है और हमारे कानपुर डिस्ट्रिक्ट में भी चल रही है। तो इसमें जो भी महिलाएं, जो भी लड़कियां या जो भी लेडीज लेना चाहें, पार्टिसिपेट करना चाहें, पूरा ट्रेनिंग उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये ट्रेनिंग 4 मंथ का है, 4 मंथ पूरी ट्रेनिंग करने के बाद इन्हें जो है जॉब से भी जोड़ा जाएगा ताकि ये अपने पैरों पे खड़ी हो सके। बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच अब्दुल रहमान बेग जी है, मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी, आवाज आ रही है? जी, आप तो नगर निगम रुकते हैं, तो टाइमिंग प्लान के बारे में बताएंगे, जिससे कि हमारी जो भी टीम है, जो भी लीडर्स मिल रहे हैं, वो इसका लाभ ले सकते हैं, जिससे स्वनिधि योजना है और जो भी योजनाएं चल रही है उसके बारे में। आप
नमस्कार सभी को, और सबसे पहले मैं सखी केंद्र, उन्होंने मौका दिया मैं अपनी विभाग की योजनाओं को महिलाओं तक पहुंचाऊं। और जैसे कि डूडा से राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन करके प्रोजेक्ट है, जिसके अंतर्गत बहुत सारी योजनाएं हैं। सबसे पहले लोन की योजना है, अगर कोई रोजगार करना चाहता है तो वो रोजगार, या अगर कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहता है तो उसके लिए भी उसको 2 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा, जिसमें उसको ब्याज में छूट मिलेगी, 7% तक उसको ब्याज देना होगा। इसके अलावा, लोन के अलावा हम लोग के ग्रुप्स भी बनते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसमें हम लोग 10 लोगों का मिनिमम साइज होता है, 10 लोग महिलाएं जोड़ के ग्रुप का फॉर्मेशन करती हैं, जिसमें हम लोग 10,000 रुपये का रिवॉल्विंग फंड 3 महीने बाद उस ग्रुप को मजबूती देने के लिए, ताकि उनकी जो लोनिंग है आपस में इंटर लोनिंग कर सकें, उनका जो भी सेविंग है, सेविंग के अलावा हम उनके 10,000 रुपये का एक्स्ट्रा रिवॉल्विंग फंड देते हैं ताकि उनकी इंटर लोनिंग कर सकें। उसके बाद अगर कोई वो प्रोजेक्ट आगे कुछ काम करना चाहती हैं, कुछ उनके पास प्रोजेक्ट है, तो उसको हम बैंक से, बैंक के माध्यम से ऋण दिला के कम ब्याज पे उनके आजीविका को, उनकी आजीविका कैसे बढ़ सकती है उसमें हम लोग उनकी सहायता करते हैं। इसके अलावा हमारे सिटी लाइवलीहुड सेंटर्स हैं कानपुर में, एक ज़ोन 5 में है और एक ज़ोन 4 में है। जो कामगार हैं, जो भी काम करता है, उनका रजिस्ट्रेशन कराते हैं, जिसका शुल्क 100 रुपये होता है, जिससे फिर हमको कोई भी, अगर उनके लाइक जैसे इलेक्ट्रीशियन का है, इलेक्ट्रीशियन का हमने रजिस्ट्रेशन करा दिया, कोई एसी का काम जानता है तो उसका एसी का हमने रजिस्ट्रेशन करा दिया, कुछ भी जिस भी स्किल्ड, उसके अंदर कुछ भी स्किल्ड है उसका हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं उस सिटी लाइवलीहुड सेंटर में। और अगर उनके लाइक कुछ भी सरकारी या प्राइवेट कुछ भी उनके लेवल का काम आता है तो उनको हम कॉल करके उनको हम काम दिलवाते हैं, ताकि उनका कैसे भी आजीविका उनकी कैसे बढ़े, इस पर हमारा जो नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन का प्रोजेक्ट है वो उस पर वर्क करता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना भी चल रही है, जिसमें 2022 तक, जैसे भी बताया था सबने कि 2022 तक का है कि हम मोदी जी का कि सबको पक्का घर देना है, तो इसमें 2.5 लाख रुपए तक का हम लोग अनुदान प्रोवाइड करते हैं, जो कि 3 चरण में होता है, 50,000, 1.5 लाख और 50,000। 3 किस्तों में पैसा आता है, जो कि वापस नहीं करना है। 2.5 लाख रुपए में अगर उसके पास कच्चा मकान है या प्लॉट है उसके पास, तो वो इस अनुदान राशि से अपना मकान बनवा सकता है। ये योजना है। बहुत धन्यवाद, इतनी सारी जो भी योजनाएं चल रही है, ये योजनाएं इनको कैसे मिल सकती हैं, क्या क्या चीजें लगेंगी, ये जरूर बताते चाहिए आप लोग। अच्छा अच्छा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि ये कैसे ले सकती हैं, क्या क्या चीजें जरूरी है इनके लिए जमा करना। जी, डॉक्यूमेंट जैसे मैंने बताया, लोन के लिए सिर्फ आधार कार्ड और एक कोई भी आईडी, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस हो, चाहे वो वोटर आईडी कार्ड हो, कोई भी, या बैंक पासबुक हो, वो वैलिड होगी। आधार कार्ड के अलावा कोई एक आईडी और एक उसका इनकम सर्टिफिकेट, क्योंकि हम लोग काम करते हैं शहरी गरीब के लिए, तो शहरी गरीब की परिभाषा ये है, 1 लाख रुपए तक की जिसकी आय होगी वो शहरी गरीब कहलाएगा। तो जो भी हमने आपको योजनाएं बताई हैं उसमें इनकम सर्टिफिकेट मस्ट है, और इनकम सर्टिफिकेट 1 लाख रुपए तक का होना चाहिए। बाकी नॉर्मल आईडी है, आधार कार्ड लगेगा, उसके अलावा एक और आईडी लगेगी। जैसे मकान वाली बात करें तो उसमें रजिस्ट्री प्रूफ ऑफ एक्स्ट्रा आ जाएगा, कि प्रूफ ऑफ लैंड, उसका जो लैंड ओनरशिप का प्रूफ है वो उसको देना है। और किसी का अगर कोई सवाल है वो हमारे साथ, हमारी काफी टीम जुड़ी है, लीडर्स जुड़ी है, लीग जुड़े हैं, तो अगर किसी को कुछ पूछना है तो, और क्या क्या दिक्कतें आती हैं इन योजनाओं का लाभ लेने में, तो आप लोग सवाल कर सकते हैं।
तो आप लोग जो हमारे लिए जुड़े हुए हैं उसमें पूरी हेल्प करेंगे। तो अगर किसी का कोई सवाल है, प्रभा ये पूजा गोविंद जी हैं, अच्छा ये दूसरे हैं, और कोई अधिकारी आए हैं क्या किसी विभाग से? उमेश जी डायरेक्ट पब्लिक वेलफेयर सोसाइटी से थे, वो आए क्या? उमेश जी मैनेजर है डायरेक्ट पब्लिक वेलफेयर सोसाइटी से? नहीं, मेरा मतलब ये है अगर कोई आए हैं, इसमें एक्चुअली इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि कभी कभी नंबर दिख रहे हैं, नाम नहीं है सबके, इसलिए तो पूछ लो अगर कोई आए हैं तो। सतीश चंद वर्मा जी गुड़ा से परियोजना अधिकारी हैं सर, वो है क्या हमारे टीचर? और उमेश जी हैं जो ब्लैक पब्लिक वेलफेयर सोसाइटी से, और ये मदन बाबू जी अशर हैं। हाँ प्रभा इसको नेक्स्ट। अगर किसी का कोई सवाल है तो आप बता दीजिए। हमारे सामने जो इतने भी लोग हैं, किस अभी हमारे बीच रहमान जी ने, विनय जी ने, राजेंद्र जी ने योजनाओं को रखा है, अगर आप लोगों में से किसी का प्रश्न है, जो लोग भी सुन रहे हैं कंचन या जो भी लोग हैं, कि कोई भी योजना कैसे पाई जाए, क्या है, किसी का कोई प्रश्न है तो बता दीजिए। किसी का प्रश्न नहीं है? हेलो जी मैम। हाँ बोलो कंचन। और सभी लोगों को मेरा नमस्कार जी। और मैम ये हम कह रहे थे कि जो हमारे यहाँ योजनाएं हैं, राशन कार्ड की सबसे बड़ी दिक्कत है, गरीब लोग जो है राशन जो सरकारी मुहैया करा रही है, सरकार जो दे रही है वो उन तक नहीं पहुंच रहा है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उनके पास राशन कार्ड नहीं। जब ये लोग जाते हैं नगर निगम में बनवाने के लिए या राशन ऑफिस में, तो वहां से अधिकारी लोग कहते हैं आज नहीं कल आइए, कल नहीं परसों आइए, ऐसे कहते हैं और फिर उनको वापस कर देते हैं। दिक्कत है उनके साथ, और वो पढ़े लिखे ज्यादा नहीं होते हैं चूंकि, इसलिए वो अपना काम भी नहीं ढंग से करा पाते हैं और इधर उधर भटकते रहते हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि हमारा सीधा प्रोसेस हो कि उनका आराम से और बिना परेशान हुए वो अपना राशन कार्ड बनवा लें। खाद्य आपूर्ति से शायद प्रभा जी ने किसी को बुलाया था तो वो आए नहीं है, लेकिन हमारी जानकारी के हिसाब से हेलो राशन कार्ड अब ऑनलाइन अप्लाई होने लगे हैं। नहीं, उसके तो बहुत दौड़ना पड़ता है राजेंद्र जी, बहुत ज्यादा ऑनलाइन हो जरूर जाता है, उसमें कुछ चीजें लगती हैं, लेकिन मुश्किल होता है बहुत। वो कंचन जाती रहती है ना, कंचन तो बहुत लोगों को लेके जाती रहती है। तो मैडम जो ये सहज जन सेवा केंद्र है इनसे भी राशन कार्ड बन जाता है इजीली? ये सहज जन सेवा केंद्र वाले कंचन तुम गई हो कभी सहज सेवा केंद्र में? कंचन हेलो। हाँ नमस्कार
मैं बताना, नमस्कार, मैं माया सिंह, जनवाड़ी केंद्र, जनवा केंद्र हम लोग बहुत बहुत लोग लेके जाते हैं। अभी कम से कम हमने एक एक बस्तियों से 50-50, 60-60 लोगों के ऑनलाइन फॉर्म भरे हुए हैं। काफी हम लोग यहाँ के क्षेत्रीय राजनीतिक विभाग भी लोगों को लेके गए, लोग भी बस्तियों से गए, लेकिन वो इतना बात कह रहे हैं कि अभी पेंडिंग में पड़ा है, अभी सरकार जांच कर रही है कौन गरीब है कौन अमीर है। अप्रैल से लेके अभी तक रेनू ही नहीं हो रहे हैं। अप्रैल तक तो रेनू हो ही है, अप्रैल के बाद अभी तक कोई कार्ड, राशन कार्ड रेनू नहीं कर रहे हैं, नया बना ही नहीं रहे हैं, और जो बने हैं अगर कैंसिल हो गए उनको भी नहीं पास कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार जब जांच कर लेगी। अभी मैं 3 दिन पहले भी गई थी गोविंद नगर राशनिंग विभाग, उन्होंने कहा कि नवंबर के लास्ट में भी कुछ हो सकता है, तब तक तो गरीबों के लिए जो राशन कभी सुविधा सरकार दे रही हो खत्म हो जाएगी। तो बहुत परेशान है, तो ना कैफे से काम हो पा रहा है ना जनवाड़ी केंद्रों से काम हो पा रहा है। तहसील दिवस भी लगने लगी है, जो पहले तहसील दिवस लगती थी पहले और तीसरे मंगलवार को, तो हम लोग वहाँ पे डीएम और सारे अधिकारी बैठते, राशनिंग विभाग से जुड़े हुए अधिकारी बैठते, तो जो वहाँ पे लिखित एप्लीकेशन दी जाती है उसकी जो देख रेख है वो लखनऊ से सारी जवाबदेही होती है। तो इस बार जो भी पहला मंगल पड़ेगा तो उसमें हम लोग जाके वहाँ पे जितने भी हमारे लोग हैं जिनको राशन कार्ड से, राशन से जुड़ी समस्याएं हैं, उनको हम लोग लेकर तहसील दिवस करेंगे और उनके लिए साथ एप्लीकेशन लिख के डीएम से बात करेंगे और डीएसओ जिला कानपुर के अधिकारी जो है वो भी कचहरी में ऑफिस से दो दिन पहले गए थे, लेकिन वहाँ पे जो जिला कानपुर के अधिकारी थे वो नहीं मिले थे क्योंकि वो बाहर थे। तो हम लोग पुनः एक दिन डिसाइड कर लेंगे। कंचन जी जो जितने भी लोग हैं तो उन सबको आप ले लीजिएगा, हम सारे लोग एक दिन डिसाइड करके आपको सूचित कर देंगे। तो हम लोग जिला कानपुर के कार्यालय में भी जाके बात करेंगे जाके, और तहसील है कि एक एप्लीकेशन और जितने लोगों के हैं उनकी हम लोग जाके वहाँ पे देख करेंगे, क्योंकि जब तक समस्या का समाधान नहीं होता बार बार हमें अधिकारियों के पास जाना ही होगा, क्योंकि जब हम चुपचाप बैठेंगे नहीं जाते रहेंगे तो निश्चित तौर पर उन्हें सुनना ही पड़ेगा हमारी जो समस्याएं हैं, क्योंकि एक दो बार जाते अगर बैठ जाते हैं तो इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं। कोविड-19 के दौरान काफी व्यवस्थाएं थी, लेकिन पुनः फिर सभी भागों में काम शुरू हो रहा है, तो हम लोग चलेंगे डिस्ट्रिक्ट बात को इसकी समस्या। मैं एक एक जानकारी और चाहती हूँ राजेंद्र अवस्थी जी से, क्योंकि उनको बहुत सारी योजनाओं के बारे में जानकारी है। जो सुमंगलम योजना है जो बच्चियों की एजुकेशन के लिए है, उसके लिए सर बहुत से लोग फॉर्म भरा रहे हैं, जो पढ़ाई के लिए मिल रहा 15,000, उसका क्या प्रोसेस है पूरी थोड़ा सा जानकारी हमें दीजिए सर प्लीज। राजेंद्र अवस्थी जी, हेलो, मेरी आवाज क्या? हाँ सर, नमस्कार। हाँ भाई जी, जी सर, कौन सी स्कीम बताई मैडम? सुमंगलम योजना जो बच्चियों को एजुकेशन के लिए मिल रही 15,000, तो इसका पूरा उम्र का क्या है और इनका क्या कंडीशन है, क्योंकि बहुत भटका हो रहा लोगों को बीच में। नहीं मैडम, सुमंगलम योजना का बैंक के माध्यम से मिल रही है ये? जी, सुमंगलम योजना बैंक के माध्यम से मिल रही है। तो, जी सर, एक तो कन्या समृद्धि योजना है पोस्ट ऑफिस से जो बच्चियों का, और ये जो 15,000 रुपए का आ रहा है बच्चियों का साल का एजुकेशन का, लेकिन इसमें बिचौलिया बहुत भटका रहे हैं। तो एक बार जी हम आप बता दें, सुमंगलम जो योजना बच्चियों के एजुकेशन की है, ये हमको ये जानकारी नहीं कि बैंक के माध्यम से मिल रही है। अगर इसमें हमें टाइम दे दीजिए, हम सुमंगलम योजना अगर बैंक के माध्यम से है और इस योजना में क्या प्रोसेस, हम पूछ करके हम प्रभाजी जी को या मैडम चतुर्वेदी जी को पूरी स्कीम बता देंगे। जी जी, जी 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 सही है, क्योंकि जिससे हम जानकारी सही दे पाए बस्तियों में सर। अभी हमें भी जानकारी से पूरी नहीं, कि हमको नहीं लग रहा है कि स्टेट बैंक के थ्रू है या किस बैंक के थ्रू है ये, हम इस पूरी योजना, क्योंकि कई योजनाएं ऐसी कि स्टेट बैंक चला रहा है, कोई जो बैंक ऑफ बड़ौदा चला रहा है, किस बैंक की योजना है और किस विभाग से योजना है और इसके एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ जमा किए जाते हैं, हम इसको नोट कर लेते हैं। सुमंगलम योजना बच्चियों के लिए जी 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 जानकारी
जी सर, ये गरीब बच्चियों को एजुकेशन के लिए ही मिलती है, लेकिन पूरी डिटेल हमें नहीं जानकारी है, तो जब तक हम अधूरी जानकारी नहीं लेके नहीं, हम भी हमें भी पूरी जानकारी इसके नहीं हुई है, हम जानकारी कर जी सर, थैंक यू जी सर। एक बात और बताई थी कि जो ये दो बेटियां हैं, हाँ जी, तो 50,000 रुपए सर शादी के लिए है या उनको पढ़ाई के लिए? शादी के लिए है मैडम। शादी के लिए उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे सर जो गरीब है? उसमें शादी के डॉक्यूमेंट ये लगेंगे, एक तो आधार कार्ड लगेगा जी, जिससे आइडेंटिटी हो जाए उसका, और बच्ची की जब शादी होगी तो उसका जो शादी कार्ड वाला होते हैं जो जी जी, वो शादी कार्ड लगेगा, शादी कार्ड लगने के बाद अप्लाई किया जाएगा वो, और उसके बाद अच्छा बैंक खाते की उसमें लगेगा वो पासबुक फोटो कॉपी लगेगी। जी सर इस योजना का नाम है बालिका अनुदान योजना। हाँ बालिका अनुदान जी सर, बस है जी 50,000 एक बच्चे के साथ ही मिलेगा सर। दो अगर मान ले तीन बच्चियां तो नहीं मिलेगा, दो बच्चियों को ही मिलेगा, ठीक है ना? दो बच्चे तो ये सर ऑनलाइन ही होगा? ऑनलाइन ही होगा, मतलब अप्लाई करना पड़ेगा इसका, अप्लाई करने के बाद आप खाते पैसा आ जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू, अगर जरूरत पड़ेगी तो आपसे कंप्लीट जानकारी। ठीक है सर, जरूर। कन्या सुमंगला योजना है वो जिला प्रमोशन विभाग से चलती है, हमने अभय कुमार जी को भी दे दिया था, उनको भी आना था लेकिन बहुत व्यस्तता के चलते शायद मिल नहीं आ पाए हैं, तो ये जो कन्या सुमंगला योजना है जिला प्रमोशन विभाग से जुड़ी हुई सारी योजना है, मातृवंदना योजना और तिलकड़े योजना है, तो हम लोग इसके लिए भी हम लोग जिला प्रमोशन ऑफिस की बात चलिए डायरेक्ट अभय कुमार जी से हम लोग चलते बात कर लेंगे, क्योंकि उनसे हमारी कई बार बात हुई है इस योजना के संबंध में, लेकिन बहुत व्यस्तता रहती है आपकी, कई विजिट वगैरह रहता है, तो लेकिन हम लोग चलते वहाँ बात कर लेंगे। जी, और सर एक राजन जी से एक और हमें थोड़ी सी जानकारी चाहिए। बताइए मैडम। जी सर, जो आपने बताया है कि महिला के लिए जो 5,00,000 का पांच लाख रोजगार के लिए है, उसमें जो धन लक्ष्मी योजना है, ये धन लक्ष्मी योजना में तो सर इसमें कोई ब्याज नहीं देना होगा महिला को? इसमें ब्याज जो लगे वो सरकार देगी जी सर। तो इसको कितने समय तक में वापस कर सकती हो महिला? ये 5 साल की मिलती है आपको, 5 साल का इसमें समय होता है सर। इसमें उसको डॉक्यूमेंट्स लगाने की मतलब कि कुछ हो उसके पास 5,00,000 का कुछ ऐसा दिखाना पड़ेगा? उसमें सबसे बैंक जो सबसे पहले चीज देखती है कि अगर आप कोई काम कर रही हैं जी जी, तो उसको बढ़ाने के लिए लोन देती है, अगर आप कोई नया काम करने जा रही है तो नए सिरे से तो नया काम करने की आपके अंदर योग्यता क्या है, अगर मान ली आप सिलाई काम करने जा रहे हो तो सिलाई जानती नहीं जानती, कम से कम सिलने की जानकारी आपको है कि नहीं है, मशीन चला पाती नहीं चला पाती सिलाई की, तो बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए, या आपको ये मालूम होना चाहिए कि हम अगर सिलाई का मान लीजिए हम रेडीमेड गारमेंट बनाने जा रहे हैं या हम कपड़े सिलने जा रहे हैं बच्चों के, तो कपड़ा कहाँ मिलेगा, हमको स्टिचिंग मटेरियल कहाँ मिलेगा, इसकी मार्केट कहाँ है, ये बैंक एक प्रोजेक्ट बनवाती है इसमें आपसे, उस प्रोजेक्ट में जैसे पूरी चीज दी जाती है कि हम क्या बनाने जा रहे हैं, उसके बारे में हमें क्या जानकारी है, और उसमें क्या मशीनरी लगेगी, मशीनरी लगने के बाद जब हमारा प्रोडक्ट तैयार होगा तो उसकी मार्केट क्या है, मार्केट में इसकी डिमांड क्या है, वो आप प्रोजेक्ट बना के देंगे पूरा उसमें, तो उसमें उसके बाद बैंक इस चीज को एनालिसिस करती है जी। हाँ तो भाई बैंक जानती है कि आप किसी उनको रा हैंड को हम पैसा 5,00,000 दे देंगे, उसको कुछ जानकारी नहीं होगी तो क्या करेगी, नहीं कर पाएगा, अगर 5,00,000 बैंक दे रही तो कम से कम बेसिक जानकारी आपको उस बिजनेस के बारे में, उस प्रोडक्ट के बारे में, उसकी मार्केट के बारे में, उसकी मशीनरी के बारे में कुछ होनी चाहिए, बैंक पता कर के लोन दे दिया। जी सर, एक्चुअली ये होता ना कभी कभी महिलाओं को जानकारी नहीं होती है, उनके पास बहुत सारी ट्रेनिंग भी है, उनके पास एजुकेशन भी है, लेकिन वो गरीब बहुत है, तो उनको लगता है कि बैंक में जाएंगे तो बैंक कहीं गाड़ी का मांग रही, पेपर कहीं मकान का मांग रही, कहीं कुछ मांग रही है, तो ऐसा तो नहीं है सर? नहीं, ये अनसिक्योर्ड लोन है, इसमें कोई गारंटी नहीं ली जाएगी, कोई सिक्योरिटी नहीं ली जाएगी, ऐसे लोन दिया जाएगा, मगर इसमें केवल उसके बारे में आपको क्या जानकारी है इसकी जानकारी बैंक जरूर करेगी, बाकी इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं मांगी, कुछ नहीं मांगी, ये फ्री ऑफ सिक्योरिटी लोन।
बहुत अच्छी बात है सर, हम लोग जब बस्तियों में जाते हैं तो काफी महिलाओं का ये सवाल होता है, तो हम लोग इसलिए थोड़ा सा कंफर्म होंगे तभी उनसे ये बात रखें। बहुत बहुत थैंक यू सर। थैंक यू मैडम। उमेश कुमार जी है, ब्राइट पब्लिक वेलफेयर सोसाइटी से अभी जुड़े हैं हमारे बीच। उमेश कुमार जी मदन जी पार्षद जी क्षेत्र के विकास के बारे में तो बताना था। मदन पार्षद जी प्रभाग कोई और प्रश्न नहीं है तो इस मीटिंग को वेबिनार को खत्म किया जाए। किसी अगर कोई प्रश्न हो बाकी जो हमारे बीच जुड़े वेबिनार से, तो किसी और हमारी टीम का कोई प्रश्न हो हमारे लीडर्स का तो सवाल कर सकते हैं। थैंक यू सब लोगों को। थैंक यू राजेंद्र जी, थैंक यू विनय जी, थैंक यू रहमान जी और हमारे बीच सब लोग जुड़े हैं, सारे लोग, बहुत सारे लोग जुड़े हैं, 19 लोग जुड़े हुए हैं, तो सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक्स, शुक्रिया। प्रभा से है ना, अगर किसी को कोई सवाल करने है क्या, कुछ पूछना है क्या? हाँ बताइए। हेलो हेलो, बोलिए बोलिए बोलिए, आपकी आवाज सुनाई दे रही है। अच्छा जी, नमस्ते। वो नमस्ते मैम। हेलो, हाँ जी मैं बोल रही हूँ। हाँ जी, मैं ये कुछ जानकारी राजीव जी से जानना चाहूंगी। हेलो मैम। हाँ बोलिए, कोई बात नहीं, हम सब लोग राजीव सर, आप शर्माइए नहीं, आराम से बोलिए, आपकी आवाज सुनाई दे रही है, बोलिए क्या कह रही हैं। अरे गांव में वो चकबंदी चल रही है, अरे नहीं समझ में आएगा ना इसे, आएगा, आप बोलिए समझ में आएगा। वो गांव में चकबंदी चल रही है तो उसके अधिकारी या कुछ मतलब जानकारी हो जाती है, हमको खेती नपवानी है अपनी। अच्छा। उसके लिए तो लेखपाल वगैरह शायद होते हैं, हमको भी बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है। अच्छा, किसी को आइडिया है क्या? यहाँ मेरे को आइडिया नहीं है बहुत, लेकिन हमें लगता है उसके लिए मैडम, इसके लिए जो लेखपाल से मिलना रहेगा। अच्छा हाँ, लेखपाल से मिल लीजिए आप, आपका जो है वही जो है पूरा चेक नाप के और जो पूरा वही बना के देगा, सबमिट प्रोजेक्ट वही करेगा। अच्छा, तो एरिया बाय एरिया होता है क्या लेखपाल? हाँ एरिया बाय एरिया होता है, जिससे तहसील तहसील जाना पड़ेगा, तहसील जाइएगा। हाँ हाँ बिल्कुल सही सर, आपके नियर बाय जो तहसील लगती होगी आपके एरिया में, वहाँ तहसील जाएंगे तो तहसील में आपको लेखपाल मिलेगा और वहाँ पे चकबंदी वाले बाबू मिलते हैं। अच्छा, तो लेखपाल चकबंदी वाले बाबू सब मिल के जाएंगे उस एरिया में, जाएंगे जाके फिर नपाई करवाएंगे और फिर आपको आपका एरिया नाम बता देंगे, फिर आप तहसील जाइएगा, तहसील से काम होगा। चलिए, और कुछ जानकारी किसी को, और किसी को कुछ पूछना है? किसी के मन में कुछ चल रहा है? नहीं तो वेबिनार सबको शुक्रिया कह के बाय बाय किया जाए। चलिए, थैंक यू प्रभा प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए, थैंक यू राजेंद्र जी, थैंक यू विनय जी, थैंक यू रहमान जी और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, सुन रहे हैं, हम सब लोगों को बहुत ही जल्दी इसका पूरा लिंक भेज देंगे। ठीक है, तो ठीक, नमस्कार, 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 थैंक यू।
थैंक यू बाय बाय. क्या पूछे अब ये सब